छात्रों, आज बहुत ही पावन दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम पूरे विश्व के मानवों को विश्व बंधु की कामना करते हुए आपका शिक्षक मनीष कुमार आप सबको ग्रामीण कक्षा के अर्थशास्त्र क्लास में स्वागत करता है। चलिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो क्लास की शुरुआत भी श्री कृष्ण से ही करें। ऐसे तो श्री कृष्ण को बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन श्री कृष्ण जो सबसे ज्यादा फेमस हुए वो गीता के वाचन के लिए हुए, क्योंकि गीता का वाचन शुद्ध चिंतन और दर्शन है और हम जानते हैं कि विज्ञान की शुरुआत चिंतन और दर्शन से ही होती है। तो खास करके अनश्वर ऊर्जा की बात और आत्मा की नश्वरता की बात इसमें कही गई है और उससे जुड़े हुई एक श्लोक जो द्वितीय अध्याय में है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूरिता भूरिता वान भूय अजो नित्य शाश्वत वय न हन्यति हन्यमाने शरीर। अर्थात यह जो है न कभी जन्म लेता है न मरता है, न जायते म्रियते वा और न कभी यह होकर होने वाला है। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, यह नहीं मरता है शरीर मरता है, यह नहीं मरती है शरीर मरता है। कहने का मतलब कि आत्मा कभी मरती नहीं। तो हम यहां पर इस माध्यम से आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आत्मा एक तरह से चेतना का प्रवाह है और चेतना जो चेतना का संबंध है वो आपके आत्मज्ञान से होता है, यानी अपने आप को पहचानने से होता है। ये शिक्षा वस्तुतः आत्मा का ही एक स्वरूप है। आप सोच करके देखिए कि दुनिया का सबसे आसान काम शिक्षा प्राप्त करना ही, सबसे सहज काम शिक्षा प्राप्त करना ही, लेकिन लोग सबसे कम समय इस पर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया का कोई जगह नहीं। हम दूसरी चीजों में समय अपना देते हैं इसलिए कि वहां क्रिया और प्रतिक्रिया मिलती है, उत्तेजना मिलता है, उन्माद मिलता है, इस कारण हम उसकी ओर ढलते जाते हैं। लेकिन ये शिक्षा शांत अमूर्त है, निराकार है, तीनों गुणों से अलग है। इसमें न लोभ है, न दुख है, न सुख है, न मोह है। अतः इस ओर हम आकर्षित नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि हम सत्व गुण जब तक नहीं अपना पाते हैं शिक्षा के प्रति का कार्य नहीं हो पाते। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप त्रिगुणातीत रूप में अपने आप को पाकर और इसके साथ एकाकार होइए और एकाकार होने के बाद आप उस शंकराचार्य के दर्शन में प्रवेश कर जाइएगा जब आप खुद कह बैठिएगा अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी शिक्षा और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अपने आप को पहचानिएगा, अपनी ऊर्जा को पहचानिएगा जो कभी मरती नहीं है, चाहे वो ऊर्जा श्री कृष्ण की आत्मा हो या आइंस्टीन की ऊर्जा का थ्योरी हो। चले, अब इस सुसंदेश के साथ हम अपनी कक्षा के सिलेबस में आते हैं। आज जो हम आपको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो तीसरे पाठ के बाद चौथा पाठ है, जिसमें आंकड़ों के संगठन के बात हम करेंगे। इसके पहले हमने आंकड़ों का संकलन बताया था, आज हम आंकड़ों का संगठन पर चर्चा करेंगे। और आंकड़ों के संगठन में पहला जो भाग आता है वो आंकड़ों का वर्गीकरण आता है। आंकड़ों के संगठन को हम आंकड़ों का व्यवस्थीकरण भी कहते हैं। इसमें अब हम आंकड़ों के संगठन के अंदर आंकड़ों के वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण आंकड़ों के संकलन की शुरुआत है। जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो तमाम आंकड़े जो होते हैं वो समझने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि वो जैसे के तैसे होते हैं। कुछ आवश्यक चीजें, आवश्यक और अनावश्यक तत्वों का उसमें समावेश होता है, उनको हम एक निश्चित क्रमानुसार निश्चित वर्गों में सजाकर आंकड़ों को निष्कर्ष के लायक बनाते हैं। और जब हम इनको वर्गों में सजाते हैं और निश्चित क्रम में प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसे हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। आप यहां देख सकते हैं, समंकों को एकत्रित करने के पश्चात उन्हें क्रमवार व्यवस्थित करना, और क्रमवार व्यवस्थित करने का मतलब यहां पर यह है कि उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित करना, जिस वर्ग के लायक जो आंकड़े हैं उन वर्ग में उनको विभाजित करना। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम जो है आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। मैंने चर्चा में कहा कि इसमें आवश्यक और अनावश्यक रूप में यह मिले होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक रूप में मिले होने का मतलब है कि कोई आंकड़ा कहीं है और कोई आंकड़ा कहीं है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर ये आंकड़े हैं, तो उनको सबको आवश्यक जगह पर लाना, यानी उचित जगह पर लाना,
जो है आंकड़ों के वर्गीकरण की ही प्रक्रिया में आता है। अब आंकड़ों के वर्गीकरण के संदर्भ में हम जो है ये कह सकते हैं कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या होगा। तो इनका वर्गीकरण इनके गुण और विशेषताएं होती है। आंकड़ों में क्या गुण है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे किसी कक्षा के छात्रों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, छात्रों के आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, तो छात्रों की लिंग, आयु या उनके क्लास के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण यहां पर प्रदर्शित किया गया है, जो आप देख सकते हैं। भारतीय डाक विभाग पत्रों की छटाई वर्गीकरण के आधार पर ही करता है। सबसे पहले जो मुख्य शाखा होता है वो पिन कोड के आधार पर पत्रों की छटाई करता है, यानी पिन कोड के आधार पर पत्रों का वर्गीकरण करता है। जब जहां पोस्ट को पहुंचना है उसके सबसे नजदीक वाले डाक में आता है तो गांव या एरिया के नाम पर उसका वर्गीकरण करता है। तो ये आंकड़ों के वर्गीकरण की व्यवस्था ही है जो हमको ये माध्यम देती है कि हाँ हम किसी काम को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे तो तमाम तरह की चिट्ठियां एक में उलझी रहेगी। जो ये है डाक पहुंचाने वाला व्यक्ति है वो खुद उलझा रहेगा कि अभी हम इधर चले कि उधर चले। एक पत्र इधर की ओर मिल रहा है तो दूसरा पत्र उधर की ओर मिल रहा है, तो इस तरह से उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब हमको ये ध्यान देना है कि वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले संकलित आंकड़ों की विभिन्न वर्गों में बांटना, सबसे पहले उनके लिए वर्ग हमको बनाना है और वर्ग बना करके आंकड़ों को उसमें हमको डाल देना है। दूसरा है समरूप आंकड़ों को एक साथ वर्गीकृत करना। जब हम वर्ग बनाए तो हमको देखना होगा कि जो वर्ग में हम गुण दिए हैं, जैसे मान लेते हैं कि आयु का एक गुण दिए हैं, लिंग का एक गुण दिए हैं, तो जिस आयु का हम गुण दिए हैं कि इतना आयु वर्ग का एक वर्ग में रखेंगे तो तमाम जो है स्टूडेंट्स को या तमाम व्यक्तियों को जो उस आयु वर्ग से बिलोंग करते हैं उस वर्ग में हमको डालना होगा। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि यह जो है 15 से 20 वर्ष के छात्रों का हम आयु ले रहे हैं, का वर्ग बना है, तो उसका 15 से 20 वाले छात्रों को डालेंगे। जब ही उस वर्ग में हम 15 से 20 वाले सारे छात्रों को डालेंगे तो उसके जितने भी मद हैं, मद मतलब समझ रहे हैं ना, समग्र की एक इकाई को मद कहते हैं, तो जितने भी मद हैं वो सारे समरूप होंगे कि नहीं। या हम मान लेते हैं लिंग के आधार पर डालते हैं कि हमको लड़कों का लेना है या लड़कियों का लेना है, तो आप देखिए कि समरूपता आ गई लिंग के आधार पर जो है। तो इस तरह से सबसे पहले समरूप आंकड़ों को एक साथ वर्गीकृत करना है, ये इसका दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप हुआ कि आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। उनकी जिस विशेषता, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आंकड़ों को एकत्रित किए हैं उसके अनुसार तो हम विशेषताएं तय करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको ये देखना है कि जो है भारत में कार्यकारी जनसंख्या की स्थिति क्या है, तो कार्यकारी जनसंख्या की स्थिति क्या है तो उसमें हमको नौकरी पेशा वाले, खेती वाले, उद्योग में काम करने वाले या मजदूर, इन सबों का वर्ग बनाना होगा। अब उनकी जो जो विशेषताएं होंगी, जैसे कृषि कार्य करने वाले की विशेषता यानी किसान, उसके बाद मजदूर, उसके बाद जो है नौकरी करने वाले, ये उनकी विशेषता हुई कि वो नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे। चौथी बात है कि आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे उनकी विभिन्नता में एकता स्थापित हो। अनेकता में एकता भारत का एक मजबूत वाक्य है, क्योंकि भारत में मानी जाती है कि यहां विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां हैं, असंख्य हजारों में, और शायद सही से काउंट हो तो हम काउंट करने में भी अक्षम साबित होंगे, स्थितियां हैं यहां। लेकिन फिर भी समूचे को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, भारत। उसी तरह आंकड़े को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अनेकता में एकता स्थापित हो। आंकड़े अनेक वर्गों में है, लेकिन अनेक वर्गों में आपने आंकड़ों को क्यों रखा, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ना, तो उद्देश्य प्रत्येक वर्ग से झलकना चाहिए, तभी तो उनको हम कहेंगे कि अनेकता में एकता है या विभिन्नता में एकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि छात्रों के किसी विद्यालय के छात्रों का हम परफॉर्मेंस यानी उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस को हम जानना चाहें, तो उस एजुकेशनल परफॉर्मेंस में हम छात्राओं का एक वर्ग बनाए और छात्रों का एक वर्ग बनाए। छात्र और छात्रा का वर्ग तो अलग अलग जरूर हुआ, लेकिन दोनों का एजुकेशनल परफॉर्मेंस जब हम निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि छात्रा का सक्सेस रेट 70% है, छात्र का सक्सेस रेट 80% है। तो एक का निकला 70, दूसरे का निकला 80, यानी एवरेज कितना आ गया 75, और ये क्या जाएगा, उस टोटल स्कूल का परफॉर्मेंस चला जाएगा उस कक्षा का, तो टोटल स्कूल का परफॉर्मेंस चला जाएगा तो वो क्या हुआ, विभिन्नता में एकता का। तो फिर से इसको एक बार हम रिपीट कर लें
पहला स्टेप क्या है, संकलित आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटना। संकलित जो आंकड़े हैं पहले उनको वर्ग में बांट दीजिए, पहले वर्ग बनाइए। दूसरा क्या है, समरूप आंकड़ों को एक वर्ग में डाल देना, यानी एक गुण वाले आंकड़े जो है उनको एक जगह एक वर्ग में डालिए। तीसरा है कि गुण को तय करना है, गुण किस आधार पर तय होंगे तो उनको विशेषताओं के आधार पर, यानी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। और चौथा कि जो है वर्ग से जो आंकड़े विभिन्न वर्गों में जो आंकड़े हैं उनमें अनेकता में एकता स्पष्ट होनी चाहिए, यानी विभिन्नता में एकता स्पष्ट हो। आप इस फिगर के माध्यम से यहां देख सकते हैं, यहां पर जो फिगर दिया गया है उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न वर्गों में है, विशेषताओं के आधार पर ये बटे हुए हैं, कोई किसी और कलर का है, कोई किसी और कलर का है, लेकिन ये सब मिलाकर के एक कंक्लूजन के रूप में रिजल्ट अपना देंगे। और ये कंक्लूजन के रूप में जो रिजल्ट देंगे वो इनकी विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित कर रही है। विशेषताएं हैं इनके कलर, विभिन्न स्टेट ये जो है स्टैंड है वो उनका वर्ग बन जाते हैं, स्टैंड जो है वो वर्ग बन रहे हैं, कलर इनकी विशेषताएं हो जा रही है। सब समरूप को एक साथ हम करेंगे और उसके बाद एक इनसे कॉमन रिजल्ट हमारा आएगा। अब हम ये देखें कि वर्गीकरण के उद्देश्य और कार्य क्या होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक फिगर है दिया हुआ जो घर का है। इस घर के फिगर में पहले ऊपर वाला फिगर देखिए और नीचे वाला फिगर देखिए। ऊपर वाला फिगर में सब सामान बिखरी पड़ी हुई है, किताब की स्थिति देखिए जैसे के तैसे है, फर्श पर ये कुछ सामान इधर पड़ी हुई है, टेबल पर भी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन उसी घर के नीचे वाली स्थिति में देखिए तो सब सामान सजी हुई है। अब इस घर में कुछ ढूंढना हो तो आपको मुश्किलात होगी, लेकिन यहां को ढूंढना हो तो बहुत आसान होगी क्योंकि सब सामान है अपनी जगह पर, क्योंकि रखने वाले ने एक तरीके से सबको रखा है। अब आपको किताब ढूंढनी हो तो कुछ किताब यहां से उतार के टेबल पर रखी होगी, तो आप कभी वहां देखिएगा, कभी टेबल पर देखिएगा, कभी इस जगह देखिएगा, कभी यहां देखिएगा, दो तीन जगह ये बिखरे हुए हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, हम सांख्यिकीय आंकड़े इसीलिए लेते हैं ताकि एक निष्कर्ष निकाले किसी उद्देश्य को। तो निष्कर्ष निकालने के लिए जब हम यहां पर घर में उलझ जा रहे हैं सामानों को खोजने में, तो अगर आंकड़े को हम तितर बितर छोड़ देंगे तो उन आंकड़ों से हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। तो उन आंकड़ों में वर्गों के आधार पर एक समरूपता होनी चाहिए। वर्गों के आधार पर समरूपता का मतलब क्या है कि एक वर्ग में जो आंकड़े रखे हुए हैं वो एक ही रूप के होने चाहिए। जैसे ये अलमीरा किताब के वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, सिर्फ किताब ही है, यहां पर सेकंड में देखिए किताबों को ठीक ढंग से रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हमको किताब ढूंढना है तो सिर्फ हमको उस अलमारी में जाना होगा। अब किसी चीज को सही ढंग से व्यवस्थित रखने से ही उससे निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं, तो वही उसका उद्देश्य बन जाता है। अब वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है ये देखिए, आंकड़ों के विशाल समूह को संक्षिप्त करना। आंकड़े बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, जब हम सर्वेक्षण करते हैं या सैंपलिंग लेते हैं, क्योंकि आंकड़ा संकलन की दो मेथड आपने पिछले क्लास में समझा है, एक है सैंपलिंग और दूसरा है सर्वे। तो जब सर्वे करते हैं या सैंपलिंग करते हैं तो उसमें भारी मात्रा में आंकड़े आते हैं, तो उनको हम संक्षिप्त करें, उनकी समानताएं और असमानताएं स्पष्ट। जब आंकड़ों की समानताएं और असमानताएं नहीं स्पष्ट होगी तो एक दूसरे के विभिन्न विरूप आंकड़े एक दूसरे में सम्मिलित रहेंगे और वह उससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, जब हम विभिन्न वर्गों में उनको डालेंगे, बढ़िया से उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, तभी तो उससे आंकड़ों से हम तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से। 1991 का 1992 का हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन कर रहे हैं, तो 1991 के कोटे में ही 1991 के आंकड़े को न रखेंगे कि कृषि में कितना विकास हुआ, उद्योग में कितना विकास हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कितना डेवलपमेंट हुआ, 92 के कोटे में 92 को रखेंगे और तब न तुलना हम कर सकते हैं। तो यह वर्गीकरण से ही संभव है। तीसरा है आंकड़ों के प्रमुख बिंदुओं को एक ही दृष्टि में समझना। एक ही दृष्टि का मतलब जैसे इस घर में जब हमको किताब ढूंढना है तो एक ही दृष्टि में सिर्फ हम जान रहे हैं कि अलमीरा में किताब मिलेगी तो हम अलमीरा को ही ताकेंगे, तो उसी तरह जब हम विभिन्न उसके नियत वर्ग में ही हम आंकड़ों को रखेंगे तो एक ही दृष्टि में हम ढूंढ लेंगे हर चीज को, और एक ही दृष्टि में पूरे आंकड़े का हम सर्वेक्षण भी निकाल सकते हैं, निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, निश्चित है जो व्यवस्थित है वो सरल है,
अगर हम व्यवस्थित रखे हुए हैं तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। अनावश्यक सूचना, बहुत से आंकड़े जब हम संकलित करते हैं सर्वे के लिए प्राथमिक रूप में, तो बहुत से अनावश्यक सूचनाएं भी आ जाती है हमारे नोट्स में सूचना लेने में, तो अनावश्यक सूचना को हटाकर जो उद्देश्य के लिए जरूरी सूचना है सिर्फ उसको ही रखना। इसके अलावा संतुलित आंकड़ों का सांख्यिक प्रस्तुतिकरण के योग्य बनाना, जो आंकड़े संतुलित है यानी जो उद्देश्य के अनुकूल है उनको सांख्यिक प्रस्तुतिकरण योग्य यानी क्रमवार रखेंगे तब तो वो सांख्यिक प्रस्तुतिकरण होंगे, जैसे कि तैसे रखेंगे तो सांख्यिक प्रस्तुतिकरण के लिए सही। आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना, आंकड़ों को जो है इतनी अच्छी व्यवस्थीकरण किया जाए ताकि वो देखने में सुंदर लगे और प्रभावशाली हो। प्रभावशाली का मतलब यही है कि उसको देखते तुरंत माइंड मूव कर जाए कि हाँ इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार हम देखें वर्गीकरण की विधियों को मैंने यहां दिखाया है कि वर्गीकरण की कितनी विधियां हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्गीकरण का जो है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बाद हम आते हैं वर्गीकरण की विधियां पर। वर्गीकरण की चार विधियां यहां हम बताए हैं, पहला है ज्योग्राफिकल भौगोलिक, दूसरा है समयानुसार क्रोनोलॉजिकल, तीसरा है गुणात्मक, चौथा है संख्यात्मक। गुणात्मक में दो है, साधारण वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। फिर से देखिए वर्गीकरण की विधियों में पहला है भौगोलिक, दूसरा है समयानुसार, तीसरा है गुणात्मक, चौथा है संख्यात्मक। बस यही चार है। गुणात्मक में याद रखना है कि दो भाग है, साधारण वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। बिल्कुल इसको याद रखना है, ये निश्चित प्रश्न में आते हैं, लगभग एक साल बीच करके ये पूछते रहता है कि वर्गीकरण की कितनी विधियां हैं। ये ज्यादा हार्ड नहीं है आपको याद करने के लिए। अब इनको हम एक एक करके देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। वर्गीकरण की विधियां, हमने पहले कहा कि आंकड़ों को वर्गों में विभाजित करते हैं और वर्ग बनाने का आधार हम क्या लेते हैं, तो उनकी गुण अर्थात विशेषताओं। वो गुण कई प्रकार के हो सकते हैं, संख्यात्मक गुण और भावनात्मक गुण, दोनों तरह के। संख्यात्मक गुण जिसकी गिनती किया जाए, भावनात्मक गुण जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो ये गुण के आधार पर हम उनको जो है लेते हैं, यानी विशेषताओं के आधार पर। तो विशेषताएं कई प्रकार से जानी जा सकती, कुछ विशेषताएं स्थान के अनुसार होती है इस आधार पर भी। तो पहला जो विधि था उसमें भौगोलिक या स्थानिक वर्गीकरण आता है, यानी स्थान के अनुसार। इसमें हमने भारत का नक्शा दिखाया है आपको और भारत के नक्शा में विभिन्न स्टेट को नंबर से दिखाया हुआ है। ये ध्यान दीजिए, ये पहला विभाजन है भौगोलिक विभाजन में। हम भारत के संदर्भ में भारत के जो है विभिन्न क्षेत्रों के कृषि की प्रोग्रेस की स्थिति को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत के विभिन्न स्टेटों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना। तो ये पहला विभाजन है इस तरह से, चूंकि यहां पर सारे नक्शे को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता है तो स्टेट को फिर जिलों में बांटेंगे, जिलों को अनुमंडल में बांटेंगे और इस तरह से विभिन्न भौगोलिक जगहों पर से विभिन्न आंकड़ों को एक जगह ला करके एकत्रित करके और हम फाइनली डिस्कस पर आएंगे। तो ये यहां पर हमने दे भी दिया है कि आंकड़ों को राज्य, जिला आदि क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन का राज्यवार आंकड़ा। दूसरा जो है इसमें विधि है वह है समयानुसार, इसको कला अनुक्रमिक वर्गीकरण भी कहते हैं। यह समय के अनुसार होता है, जब दो समय में हम तुलना करते हैं। जैसे अभी सवाल है कि कोई कहता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, ये कह देने से नहीं होगा, ये तो एक आम भाषा होगी कि भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके लिए हमको, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो साक्ष्य जुटाना होगा। साक्ष्य जुटाने में दो तरह के साक्ष्य आपका ज्यादा काम आएंगे, एक साक्ष्य खुद अपने ही देश में पिछली जनगणना से तुलना और दूसरा साक्ष्य दूसरे देशों से तुलना, उसी वर्ष में दूसरे देशों से तुलना कि वहां कितनी बढ़ गई, कितना परसेंट ग्रोथ रेट वहां का जनसंख्या का है। तो जब हम इस तरह के साक्ष्य जुटाते हैं, जब हम अपने ही देश के समय से पिछले जनगणना से जब हम तुलना करते हैं तो यह काला अनुक्रमिक वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए भारत की जनसंख्या का ब्यौरा दिया हुआ है 1921 से 2001 तक, ठीक है। हालांकि 2011 के भी आंकड़े हैं उपलब्ध और हम इसमें नहीं दिया हुआ है, मौखिक आपको बोल देते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1,21,80,00,000, 1,21,80,00,000। अब आप सोच सकते हैं कि 102 करोड़ से बढ़ के 121 करोड़, यानी 19 करोड़ जनसंख्या 10 वर्षों में भारत में बढ़े। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का ग्रोथ रेट क्या है। तो ये आपने क्या किया है, इसमें विभिन्न वर्षों का आपने रखा है तो ये काल के अनुसार भी रखा है ना, तो इसको कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं।
अब हम तीसरा चले गुणात्मक वर्गीकरण। कुछ विशेषताएं अभी हमने चर्चा की थी कि कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जिसको हम मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इनको हम गुण कहते हैं। और ये ऐसी विशेषताओं में जैसे लिंग, शिक्षा, निवास स्थान, धर्म, जाति, इस प्रकार के वर्गीकरण। अब ये जो है ये वर्गीकरण दो तरह का होता है, एक साधारण होता है और दूसरा बहुगुणी होता है। साधारण वर्गीकरण का मतलब हम क्या करते हैं, क्या समझते हैं, यह दोहरा वर्गीकरण है। इसमें एक की उपस्थिति दूसरे की अनुपस्थिति को दर्ज करवाता है, यानी हम सकारात्मक पक्ष को लेते हैं तो नकारात्मक अपने आप निकल जाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि किसी वस्तु के बारे में यह कहना कि यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अस्तित्व में ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह अभी यहां पर मौजूद नहीं है। नहीं का मतलब यह है कि हां है, क्योंकि नहीं उसी के बारे में कहा जाता है जिसके बारे में जानकारी है। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है कि यह रूल इस जगह पर है और संजोग से अभी नहीं है, तो मैं कहा कि नहीं है। मैं क्यों इसका जवाब दिया कि नहीं है, मैंने इसको देखा तब तो, पहले देखे हुए था तब तो, यह अस्तित्व में था तब तो नकारात्मकता में भी सकारात्मकता होती है। यहां कुछ उसी प्रकार की बात है जो आपको देखना होगा। रिजल्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हम नकारात्मक सूची बनाए या सकारात्मक सूची बनाए। अगर हम नकारात्मक सूची बनाते हैं तो सकारात्मक अपने आप निकल जाता है, यदि सकारात्मक बनाते हैं तो नकारात्मक अपने आप निकल जाता है। यहां पर भी हम वही दे सकते हैं, जैसे साक्षरता के हम आंकड़े ले रहे हैं तो हम पाते हैं कि 55% लोग साक्षर हैं, इसका मतलब है कि 45% लोग निरक्षर हैं। तो हम साक्षरता के लिए यदि कैपिटल ले देते हैं तो निरक्षरता के लिए स्मॉल ले देते हैं। इस तरह से दो आंकड़े हमको एक साथ ही बोल जाते हैं। यही कारण है कि इसे दोहरा वर्गीकरण भी करते हैं, दोहरा एवं द्विभाजित वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण में क्या है, इसमें कई गुणों का एक साथ समावेश किया जाता है। सबसे पहले गुण के आधार पर दो वर्ग, फिर जो वो दो वर्ग हुए उनके दो उपवर्ग, फिर उन उपवर्गों का उपवर्ग, और इस तरह हम उस अंतिम सीमा तक आ जाते हैं जहां बांटना असंभव हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में जनसंख्या अथवा समग्र एक ही चीज होता है। पहले हम क्लास में कई बार बताए हैं, इन चीजों को बार बार बताना जरूरी नहीं है दोनों का जो है। तो इसमें अब देखिए जब जनसंख्या के आंकड़े ले रहे हैं तो दो भाग में बांट दिए, ग्रामीण और शहरी। फिर ग्रामीण को दो भाग में बांटे, पुरुष कितना और महिला कितना। फिर पुरुष को दो भाग में बांटे साक्षर और निरक्षर, महिला को दो भाग में बांट दिए साक्षर और निरक्षर। फिर इधर शहरी में भी हम उसी तरह विभाजित। तो यह है बहुगुणिया ज्ञान, एक ग्रामीण शहरी ये दो गुण हुआ, दो अब दो गुण में पुरुष और महिला ये दो गुण अलग निकल गया, फिर साक्षर निरक्षर, तो सब मिला के तो 6-7-8 गुण हो गए, तो बहुगुणी व्यवस्था यह है। अब संख्यात्मक वर्गीकरण हम इसमें आते हैं, जब आंकड़ों का संख्यात्मक रूप में उनकी मान होता है तो उसको हम संख्यात्मक वर्गीकरण कर सकते। जैसे अभी आपने देखा कि संख्यात्मक मान उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो है गुण के आधार पर कुछ देर पहले आपने देखा, यहां पर संख्यात्मक मान अवेलेबल हो जाता है। जैसे भार को आप किलोग्राम में माप सकते हैं, आय को रुपए में आप माप सकते हैं, डॉलर में माप सकते हैं, प्रातांक, नंबर, मूल्य, लंबाई, मजदूरी इत्यादि के जो आंकड़े हैं इनको संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इस वर्गीकरण में दो तत्व आते हैं, एक को हम कहते हैं चर और जो है और दूसरी को कहते हैं आवृत्ति। ध्यान दीजिए, एक को चर और दूसरी को आवृत्ति। आवृत्ति को हम मात्रा के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां देखिए ये यहां भार का आंकड़ा लिया गया है, यह प्रदर्शित किया गया है कि 70 से 80 पाउंड के बीच में कितने हैं विद्यार्थियों की संख्या, 80 से 90 पाउंड के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 90 से 100 पाउंड के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहां पाते हैं कि 70 से 80 के बीच में 40 है, यहां पर 70 से 80 40 हो गया, 70 से 80 चर हो गया और विद्यार्थियों की संख्या 40 वह दिया हुआ यह आवृत्ति है जो आते रहता है। करने का मतलब 70 से 80 में एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, तो इनकी टोटल आने वाले की संख्या कितनी हो गई 40, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर एवं गुण में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, चर से अभिप्राय उस विशेषता से है
जो आकार अथवा मात्रा में घटती बढ़ती रहती है, आकार अथवा मात्रा में घटती बढ़ती रहती है। जैसे पिछले आंकड़े को आप लें, 70 से 80 यह 60 से 70 भी हो सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है, 80 से 90 भी हो सकता है, यानी यह मात्राएं घट और बढ़ सकती है। और इस आधार पर चर दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं खंडित चर और दूसरे को हम कहते हैं अखंडित चर। खंडित चर कौन होते हैं? ये हमेशा पूर्णांक में होते हैं, इनकी मात्रा निश्चित होती है, इसको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे क्रिकेट में रनों की संख्या, जब भी बनाएगा तो 1 रन बनाएगा, 2 रन बनाएगा, 3 रन बनाएगा, 4 रन बनाएगा, 1.2 रन नहीं बनाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 हो सकता है, 50.6 नहीं हो सकता है, 5.7 नहीं हो सकता है। तो यहां मैंने ये दिखा दिया है कि हमेशा ये पूर्णांक में होते हैं, इनमें विस्तार नहीं होता, बल्कि एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में अंतर होता है, एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में अंतर कम होता है, जो है या तो 1 होगा या 2 होगा, 1 और 2 के बीच में अंतर आ जाता है, ठीक है, और इनका निश्चित मूल्य होगा, अर्थात ये विभाज्य नहीं होंगे, विभाज्य का मतलब ये दशमलव में नहीं आएंगे, ठीक है, इनके बीच में जो है विभाजन नहीं हो सकता है, ये 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, 1.2, 2.4, 3.4 नहीं, 5 नहीं हो सकते हैं। इसका उदाहरण हमने दिया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और मैच में रनों की संख्या, ठीक है। अब हम अखंडित चर, इनमें एक निश्चित सीमा होती है और उस सीमा के भीतर चर का कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे यहां पर आप देखिए अखंडित आवृत्ति, जैसे 10 से 20 किलोग्राम, 10 से 20 मीन्स 11वीं, 12वीं, 10.5वीं, 11.5वीं, लेकिन यहां पर आप देखिए 0, तो सिर्फ 0 का ही बोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि 0.1, 0.2, 1 तो सिर्फ 1 का है, बच्चों की संख्या कितनी है तो 1, तो इनकी एक निश्चित सीमा के बीच में कोई भी मूल्य हो तो उसको हम अखंडित चर कहेंगे। ऊपर हम ध्यान दें कि वे चर होते हैं जिनका निश्चित सीमाओं के भीतर कोई भी मूल्य हो सकता है, जैसे 130 से 135 सेंटीमीटर की ऊंचाई वर्ग में एक कक्षा के 5 विद्यार्थी है, इसे अखंडित चर मूल्य कहेंगे। इस तरह 200 से 300 आय वाले मजदूरों की संख्या 7 है तो इस सीमा के अंदर इनका कोई भी मूल्य होगा। ये क्या कहता है इस पर ध्यान दीजिए, फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। 200 से 300 आय वाले मजदूरों की संख्या 7 है, 7 मजदूर हैं जो 200 से 300 आय वाले हैं, इससे आपको ये तो पता नहीं चल गया है कि 7 मजदूर के 250 रुपए आमदनी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का 201 है, किसी का 299 है, किसी का 270 है, यानी कोई भी मूल्य होगा, कोई फिक्स मूल्य इनका नहीं हो पाता, इसके बीच में कोई भी मूल्य, तो ये 200-300 आय वाले मजदूरों की संख्या, तो इस सीमा के अंदर इनका कोई भी मूल्य हो सकता है, और इसे नीचे वाले से जो है उदाहरण से देख सकते हैं। अब गुण क्या है इस पर हम आए, जिस प्रकार यहां दिया हुआ है कि लोगों के कद या वजन या आय की संख्यात्मक माप संभव है, उसी प्रकार सुंदरता, बुद्धिमत्ता, कला एवं संगीत में रुचि का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। यह हर क्षण बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि नहीं, आप सोच के देखिए, कोई भी चीज एक समय अस्थाई नहीं हो पाता है। जैसे किसी ने कहा कि अगर लता मंगेशकर रात भर गाने गाती रहे तो कोई पब्लिक उबेगा नहीं, और जैसे शुरू में बैठा है वैसे ही बैठे रह जाएगा, नहीं, ये बात सत्य नहीं। जितने उत्साह से हम पहले गाने के लिए बैठेंगे उतने उत्साह से सबसे सुबह वाले गाने के लिए हम नहीं बैठेंगे, उत्साह में कमी होती है क्योंकि हम तृप्त होते जाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये इकोनॉमिक्स की एक दूसरी टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अगर अस्थायी होती तो ह्रास नियम कभी लागू नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जिसका संख्यात्मक ये गुण मानव के मस्तिष्क पर निर्भर करता है, मानव के व्यवहार पर निर्भर करता है, मनुष्य के मनोविज्ञान पर निर्भर करता है, और यह हर क्षण बदलते रहते हैं, यह हर क्षण बदलते रहते हैं, फलता हम इन्हें चर नहीं कहते, क्योंकि चर में अभी आपने कहा कि इनका एक निश्चित मूल्य होता है, इनकी मात्राएं होती है।
अब चूंकि हर क्षण ये बदल रहे हैं, अतः ये चर नहीं कहे जा सकते हैं, इनको हम गुण कहते हैं। ध्यान दीजिए आप किस टॉपिक में है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हम क्या यहां पढ़ा रहे थे, चर एवं गुण, जिसमें पहले आपको हमने बताया चर, चर के अंदर खंडी चर और अखंडी चर। खंडी चर में हमने क्या कहा था कि इसका जो है एक फिक्स मूल्य होता है। अखंडी चर में क्या कहा था, कोई भी मूल्य हो सकता है, लेकिन मूल्य तो दोनों में होता है, समझ रहे हैं। एक में है फिक्स मूल्य, निश्चित मूल्य, और दूसरे में कोई भी मूल्य। जैसे आपने देखा था कोई भी मूल्य का मतलब कि 200 से 300 आय वाले के बीच में 7 मजदूर है, तो किसी का 201 भी है, किसी का 202 भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम गुण में क्या पा रहे हैं कि गुण में हमेशा भावनाएं बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती है, और चूंकि ये हमेशा चेंज होते रहती है, अतः इनको हम चर नहीं कर सकते हैं, इनका संख्यात्मक मान नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं। इस जगह पर हम इनको क्या करते हैं, कोटियों का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, ये सब बोलते हैं और उस कोटी में रखते हैं। कुरूपता, सुंदरता, इस तरह की कोटियों में रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चर तथ्य की जो है, चर तथ्य की मात्रात्मक विशेषता को बतलाता है और गुण गुणात्मक विशेषता को बतलाता है। यानी चर जो है वो मात्रा को का बोध करवाते हैं और गुण जो है उसका स्वभाव का बोध करवाता है, मनोविज्ञान से उपजी चित्तवृत्तियों का को है दर्शाता है। ये गुण और चर में अंतर है। यानी दिमाग में रखिए कि चर में हमेशा नंबर आएगा, सिंपली, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिंपली यही रखना है कि चर में मात्रा आएगी और गुण में मात्रा नहीं आएगा। जैसे चर में कोई भी चीज की संख्या 10-20 हम दे सकते हैं, वो चर हो जाएगा, लेकिन गुण में हम 10-20 न देकर के अच्छाई, बुराई, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हम इसमें रख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा तो बचपन से पढ़ रहे होंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं, जनसंख्या किसको कहते हैं, जिसको हम सांख्यिकी में जनसंख्या का तात्पर्य क्या है। जो है किसी क्षेत्र की सभी व्यक्तिगत इकाइयों का चरों के समूह को समग्र रूप से हम जनसंख्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें किसी क्षेत्र की सभी व्यक्तिगत इकाइयों या चरों के समूह से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको हम जनसंख्या कहेंगे, सभी व्यक्तिगत इकाइयों। आप जब जनसंख्या के बारे में बोलते हैं तो क्या होता है, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके भारत की पूरी जनसंख्या निकालते हैं, तो वो समग्र इकाइयों का ऐड आपने किया। ये जनसंख्या सिर्फ मनुष्य पर ही लागू नहीं होती है, आपके अनुसंधान का जो भी क्षेत्र है, जो भी उद्देश्य है, उससे जुड़ी जो भी इकाइयां हैं, उन सबों का योग जनसंख्या करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम जो है इस साल के धान की कुल उत्पादन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, तो विभिन्न जगहों के धान की फसलों का उत्पादन का कुल योग वो पूरे धान के उत्पादन की जनसंख्या को बतलाएगी, समग्र बतलाएगी। इसको हम बोलते हैं सांख्यिकीय भाषा में एक तरह से सेंसस। तो ये एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि चरों के समूह से, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि चरों के समूह से संबंधित आंकड़े जनसंख्या का निर्माण करते हैं। सभी व्यक्तिगत इकाइयों, एक भी व्यक्तिगत इकाई छूटना नहीं चाहिए, तो लेकिन कौन सी व्यक्तिगत इकाई, आपको ध्यान देना होगा, वो व्यक्तिगत इकाइयां जो उद्देश्य से संबंधित हो। सारे को हम नहीं ले लेंगे, हम जिस उद्देश्य से अनुसंधान कर रहे हैं उस उद्देश्य से जुड़े हुए व्यक्तिगत इकाइयां। हम अनुसंधान कर रहे हैं फसल का और ले लेंगे जनसंख्या का, क्या भारत में कितना लोग रह रहे हैं, नहीं, हम लेंगे जो है सिर्फ फसल वाले आंकड़े, लेकिन उसमें एक आंकड़ा भी छूटना नहीं चाहिए। उन सब जितने भी आंकड़े मेरे पास आए उनके समग्र को ही हम जनसंख्या का निर्माण जो है, समग्र को ही जनसंख्या कहते हैं, या उन आंकड़े को एकत्रित करना ही जनसंख्या का निर्माण है। इसे संख्यात्मक गिनती कर जाना जा सकता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की जनसंख्या आती है। पहला है एकचर जनसंख्या। एकचर जनसंख्या में क्या है कि इसमें एक ही चर से संबंधित, एक चर से संबंध का मतलब है कि या तो कीमत या तो आय, कीमत और आय दोनों को नहीं रख सकते, या तो कीमत संबंधी आंकड़े ले या आय संबंधी आंकड़े ले। मतलब हमारे सामने शोध के बहुत सारे विषय हैं, सिर्फ हम एक विषय पर काम करेंगे, तो इसको हम एकचर जनसंख्या कहेंगे। हम कीमत, आय, जो है स्वास्थ्य, इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम सिर्फ अगर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे तो ये एकचर जनसंख्या होगी। दूसरा, हम द्विचर जनसंख्या।
जिसमें एक ही साथ हम दो तथ्यों के आंकड़े इकट्ठे करते हैं। जैसे यहां देखिए हमने रखा है कद व वजन, है ना। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के कद व वजन की जनसंख्या द्विचर जनसंख्या में आएगी, इसे द्विचर आवृत्ति वितरण भी कहा जाता है। यानी दो तथ्य को हम एक साथ लेते हैं। बहुचर में क्या है, दो से अधिक, जैसे हम कहीं की जनगणना कर रहे हैं तो उसमें आयु लिंग शिक्षा, अक्सर जनगणना में यही चीज पूछा जाता है, जो गणक होते हैं जाकर के पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, मेल हो फीमेल हो, आपकी जो है शिक्षा क्या है, तो इन सबों को एक साथ लेना यह है बहुचर जनसंख्या। अब हम देखें ये तीन वर्गीकरण जानने के बाद अब हम चौथे वर्गीकरण में आते हैं, जिसको हम कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण की विधियां, जो संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके तहत दो तरह के वर्गीकरण है। संख्यात्मक वर्गीकरण दो स्तर पर होते हैं, दो तरह के वर्गीकरण नहीं है बल्कि टू स्टेप इसमें होते हैं। पहला स्टेप है कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े वो होते हैं जो मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं होते, वो सिर्फ आंकड़े एकत्रित किए हुए होते हैं, किसको कहां पर रखना है वो उसमें जो है तय नहीं हो पाते हैं। जैसे हमको मान लेते हैं कि किसी स्कूल के 50 छात्रों के अर्थशास्त्र में जो प्राप्तांक आए हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, तो हमने पहले क्या किया, आपने शोध में 50 छात्रों के अंक को ले लिया, उनको रॉ नंबर वाइज हमने नहीं लिए, बस सिर्फ 50 हमने काउंट किया कि हाँ ये 50 हमारे आ गए, तो इनको हम कच्चे आंकड़े कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं ये कोई क्रमवार नहीं है, 18 के बाद 81, 51, 48, 26, 67, 75, इसको हम सांख्यिकीय आंकड़े नहीं कर सकते। जब इनको हम अनुसंधान के लायक बनाते हैं यानी निष्कर्ष निकालने लायक, तो निष्कर्ष निकालने लायक का मतलब जब इनको उचित संगठन देते हैं, क्रमानुसार देते हैं, वर्गानुसार देते हैं, तब ये सांख्यिकीय रूप, और जब सांख्यिकीय रूप लेते हैं तो यही आंकड़े बन जाते हैं सांख्यिकीय आंकड़े। ये ध्यान दीजिए सेकंड स्टेप में आ जाता है। और ये कहता है इसका अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें हम किसी क्रम अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, या तो क्रम में या विशेषता में। विशेषता में कैसे हम उसको प्रस्तुत कर सकते थे इन आंकड़ों को, तो विशेषता में हम प्रस्तुत कर सकते थे डिवीजन के माध्यम से, हम देखते कि कौन फेल है, कितना फेल ग्रुप है, कितना थर्ड डिविजनर है, कितना सेकंड डिविजनर है और कितना फर्स्ट डिविजनर है, उनको मात्रा के आधार पर हम सांख्यिकीय आंकड़े के रूप में बना सकते थे। क्रम के अनुसार नंबर वाइज या रॉ नंबर वाइज, दो में से एक हमको चयन करना होगा, नंबर वाइज इतना से इतना ये रॉ नंबर का आया, वो थोड़ा कठिन होगा, उससे अच्छा है कि रॉ नंबर वाइज हम उसको कलेक्ट कर ले। अब यहां पर जो है आपका ये चैप्टर का ये भाग समाप्त होता है। इसके बाद हम सांख्यिकीय श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, इसमें हम आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हम आपको बतला दे रहे हैं। वर्गीकरण सूचित करता है किस चीजों को, वर्गीकरण किस लिए आप करते हैं, वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि सांख्यिकीय आंकड़ों में जो विभिन्नताएं हैं उनको हम सही ढंग से रख सके, यानी एक तरफ हम उनकी समानता को दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनकी हम असमानता को दिखाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जो ही समानता प्रदर्शित करेंगे, एक समरूप आंकड़े को एक जगह रखेंगे तो दूसरे आंकड़े अलग हो जाएंगे, तो अलग जब हम किए तो इसका मतलब है कि हम ये भी प्रदर्शित किया ना कि असमानता भी थी, उस असमानता को हमने छांटा है। इसका मतलब है कि समांकों की समानता, समांकों की असमानता या दोनों, तो दोनों यहां। दूसरा, जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो जनसंख्या जो है तीन प्रकार के हमने बतलाया है ना, एक चर, द्विचर और बहुचर। तीसरा है चर कितने प्रकार के होते हैं, तो चर दो प्रकार के होते हैं, एक खंडित और दूसरा अखंडित। लघु उत्तरीय प्रश्न में है खंडित श्रेणी में, खंडित श्रेणी में क्या अंतर है, मैंने उसको दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। कच्चे आंकड़े किसे कहते हैं, जो अव्यवस्थित रूप में रखे हुए हैं, मौलिक शोध है, मौलिक शोध मतलब जो सबसे पहले आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जो अव्यवस्थित क्रम में रखे हुए हैं उनको कच्चे आंकड़े कहते हैं, उसको आप 50 विद्यार्थी वाला उदाहरण आप अपने इस जगह पर सेट कर सकते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण से क्या समझते हैं, जो संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो उसको हम संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं, इसमें दो स्टेप होते हैं, पहले कच्चे आंकड़े होते हैं और उसके बाद जो है संख्यात्मक आंकड़े सांख्यिकीय आंकड़े बढ़ाए जाते हैं। वर्गीकरण की कितनी विधियां हैं, संध्याएं, चारों विधियों को आप लिख दीजिए और उनको विश्लेषण कर दीजिए। धन्यवाद, आज से क्लास लीजिए।